रोज एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का कैप्सूल खाते हैं तो आपके सेक्स लाइफ में बहुत चमत्कार हो जाएगा। चलाइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण है और 90% भारतीय लोगों में ये पता ही नहीं है कि उनको उनके डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरी मात्रा में मिलता नहीं है। इनको मालूम ही नहीं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो दिमाग के लिए, दिल के लिए, जोड़ों के लिए और पूरे सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी बनाती नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, हमको बाहर से लेना पड़ता है और वो पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये फिश ऑयल में, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अक्रोट, इसमें मिलता है। मगर हम कंट्रोल मात्रा में लेना चाहते हैं, वो कैलकुलेटेड मात्रा में, तो आपको कैप्सूल ही आपको तोल बोल के मिल सकती है। जो कैप्सूल बनाते हैं वो मछली के तेल से ही बनाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें काफ़ी है अलग अलग कंपाउंड्स, मगर इसमें जो EPA और DHA जो है वो सबसे बेस्ट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट के लिए, ब्लड के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर एक, हार्ट हेल्थ के लिए जब हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम करते हैं और उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाता है, रक्तवाहिका जो है वो लचीली रहती है और इन जनरल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छी काम करती है। नंबर दो, स्किन और हेयर्स के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा। स्किन को चमकदार रखना, बालों को बढ़ाना, काले रखना, इसमें उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। स्किन एलर्जी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काम का है। नंबर तीन, आँखों के लिए, रेटिना की हेल्थ के लिए, अंदर जो पर्दा रहता है उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही जरूरी है। नंबर चार, हमारे जो जोड़ है तो जोड़ों का जो दर्द है और जोड़ों में जो ऑयलिंग है, वो ऑयलिंग बराबर रखना, मजबूत रखना और जोड़ जो है उसमें का इन्फ्लेमेशन कम करना, सूजन कम करना, ये काम ये करता है। नंबर पाँच, दिमाग को अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में रखना और उसके लिए मतलब अपने जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको ठीक करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काम का है, वैसी मेमोरी प्रॉब्लम के लिए काम में आता है। जो लोगों को मछली की बदबू आती है, मछली खाने में अच्छा लगता नहीं है या मछली की डकार आती है, एलर्जी है, तो वो कैसे खाएंगे? वो मछली खा नहीं सकते हैं, तो फिर उन्हें नहीं लेना चाहिए। सिंपल, फिर वो अखरोट में है या फिर बाकी बहुत सारे वेजिटेबल फूड्स है उसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड वो लेना चाहिए, और वो नहीं तो कैप्सूल ले लो। खून पतला होने की दवा जो ले रहे हैं उनको अभी ये नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक में एक रिसर्च हुआ, 33 से लेकर 43% स्त्री पुरुष लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड से उनके सेक्स लाइफ में फ़ायदा हुआ। वैसे ही ये फ़ायदा क्यों होता है? एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड डोपामिन बढ़ाता है, सेरोटोनिन बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस बढ़ाता है, स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी बढ़ाता है और इससे सेक्स लाइफ में बहुत अच्छा फायदा होता है। डेनमार्क रिसर्च में 1679 पुरुषों की स्टडी किया, 15 मिलियन से कम स्पर्म काउंट जिनका था उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया और उनका स्पर्म काउंट बढ़ा, ऐसा रिसर्च में दिखा। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पर्म काउंट बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। जामा का एक रिसर्च है, 98 पुरुष जो थे जिनका स्पर्म काउंट कम था उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया और उनका स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेक्सुअल फ़ायदे, स्किन के, हार्ट के, ब्रेन के फ़ायदे। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को आप लेते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, और नहीं तो फिर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, अखरोट लेते हैं, अखरोट में बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसमें आपको फ़ायदा होता है, और जो वेजिटेरियन है उनको फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।